भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर हाल ही में जो बात कही वो शायद माही के किसी भी फैंस को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मांजरेकर ने माही को अब एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं बल्कि चेन्नई के लिए एक कुशल कप्तान के रूप में देखते हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो एक बातचीत के दौरान संजय मांजरेकर ने कहा, मैंने पहले मुकाबले में धोनी को एक कप्तान के तौर पर देखा। 5 विकेट गिरने के बाद माही मैदान पर आए, पहली 2 गेंद खेलने के बाद वो एक भी रन नहीं बना पाए। वैसे फिलहाल और बूतों की जरूरत निश्चित तौर पर है, लेकिन लोग हैरान नहीं होंगे अगर बतौर बल्लेबाज धोनी सीजन में बैक सीट पर नजर आए। एक कप्तान के तौर पर धोनी टीम का नेतृत्व करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल मांजरेकर ने धोनी की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने सैम करन और लुंगी एनगडी को प्लेइंग 11 में शामिल कर अच्छा किया। साथ ही धोनी ने सैम करन और रविंद्र जडेजा को खुद से पहले बल्लेबाजी ऑर्डर में प्रमोट किया। यही चीज है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है और एक विजेता कप्तान बनाती है। वहीं आपको बता दें, मुंबई पर पहले ही मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले दूसरे मुकाबले के दौरान भी मांजरेकर ने धोनी की टीम को फेवरेट बताया। वहीं संजय मांजरेकर ने कहा, राजस्थान रॉयल्स एक दिलचस्प टीम है, लेकिन क्या वो संभावित चैंपियन टीम भी है? अधिकांश लोग नहीं में ही जवाब देंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीते कुछ समय में इस टीम के साथ कुछ अच्छे घटनाक्रम हुए हैं। उदाहरण के लिए जोस बटलर इस वक्त अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। वो 20 क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। क्वारंटाइन नियम के कारण वो पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन वो टूर्नामेंट के दौरान राजस्थान के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं T20 क्रिकेट में पिछले साल के मुकाबले इस साल स्टीव स्मिथ ने भी खुद को सुधारा है। जोफ्रा आर्चर भी तेज गेंदबाज के रूप में पहले से बेहतर हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद राजस्थान की बल्लेबाजी में गहराई साफ नजर आती है। खैर, अब देखना होगा कि संजय मांजरेकर के इस बयान पर धोनी का क्या रिएक्शन आता है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।